बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पालक बनाएंगे और पालक को एक यूनिक स्टाइल में बनाएंगे, यानी कि हम इसको साग के स्टाइल में बनाएंगे। है तो गर्मियाँ और साग तो सर्दियों में होती है, लेकिन हम आपको साग का जायका याद करवाने के लिए गर्मियों में हम पालक को साग के अंदाज़ में बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 2 गड्डी पालक ले ली है, फ्रेश पालक है देखें। तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसको धो लेते हैं और फिर काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पालक धुल चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसको काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पालक कट चुकी है और अच्छी तरह धो लिया था हमने इसको पहले। तो पालक धोना और काटना एक बहुत मुश्किल काम है, आप सब लोग जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों काम हो चुके हैं। तो आइए अब हम इसको तैयारी के मराहिल दिखाते हैं इसकी। तो देखते हैं हमें इसके लिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें चाहिए होगी थोड़ी सी प्याज, लहसुन, टमाटर बारीक काट लिए हमने। मसालों में हमें बस कम ही मसाले चाहिए होंगे, हसबे जायका नमक, हसबे जायका मिर्च, थोड़ा सा धनिया सूखा हुआ जो होता है पिसा हुआ, और हल्दी। देगची हमने चढ़ा दी है चूल्हे पे। अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी, पानी डाल दिया है, मसाले डाल देंगे, मसाले डाल दिए हैं, लहसुन, प्याज और टमाटर सारे इसमें चले गए। और अपनी वीडियो जो है वो मैं खुद ही बना रही होती हूँ, एक हाथ से वीडियो और एक हाथ से काम, तो माइंड मत कीजिएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पालक भी इसमें चली गई है। अब हम इसको बंद कर देंगे कुकर को। आप चाहें तो इसको मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं। मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए मैं इसको कुकर में पका रही हूँ। किसी और वक्त इंशाल्लाह आपको मैं मिट्टी की हांडी में बनाना सिखाऊँगी। तो पालक जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, हरी सब्ज़ियाँ खाना तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और पालक तो जो है वो आयरन का ख़जाना है। तो कुछ लोग जो है मैंने देखा है कि पालक को काटने के बाद धोते हैं और फिर उबाल कर उसका पानी फेंक देते हैं और फिर उसको पकाते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। ख़तरनाक इसलिए कि आप उसको ज़ाया कर देते हैं, उसके आयरन जो है पालक की वो सारी आपने ज़ाया कर दी, तो इसका पकाना फिर कोई फ़ायदा नहीं देता। तो ये जो है इसको आप इसी तरह पकाएं कि इसको पहले धोएं फिर काटें, और उसके बाद जो है इसको पानी जो इसका उबाल कर मत फेंकें, इसको उसी तरह पकाएं। पालक पकाने के बेशुमार तरीके हैं, इससे आपकी फ़िटनेस भी ठीक रहती है, इससे आपका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, और आपका हार्ट भी ठीक होता है, आपका जो कोलेस्ट्रोल है वो भी कम होता है, खून का लेवल भी बढ़ जाता है, तो ताकत देती है पालक जो है। तो ख़जाना है फौलाद का, आयरन का, खून बनाने वाली बोतलें हैं। तो इस पालक बनाइए, ज़रूर खाइए, और मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाइए। इंशाल्लाह मैं अपनी आइंदा वीडियोस में भी आपको पालक बनाने के मुख्तलिफ तरीके सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पालक बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसका पत्ता मसल के देखें हाथ से, तो वो गला हुआ सही मैश हो जाएगा, आपको नज़र आएगा, तो इसका मतलब है कि गल चुकी पालक। और ये जब ये देखें पानी, जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तो हमने फ्लेम बंद कर देना है, और अब हमने इसको उतारना है, और हमने अब जो काम करना है वो बहुत अहम है, तभी इसमें साग वाली लुक आएगी। तो आइए देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। ले लिया है हमने, हसबे ज़रूरत डालते रहेंगे, और ये देखें ये हमारे पास है घोटने वाला, साग घोटने वाला, ये देखें। तो इससे हमने आटा डालकर इसको घोटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने चम्मच में आटा लिया और ऐसे थोड़ा थोड़ा डाला, और इसको तेज़ तेज़ जो है वो घुमाना शुरू कर देना है, और फिर बाद में हम इसको रगड़ेंगे। अभी हम इसको सिर्फ ऐसे करेंगे,
तो थोड़ा थोड़ा सा आपने आटा डालते रहना है साथ साथ, और इसको ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। ग्राइंडर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ग्राइंडर करने से एक तो इसके गजाई अज्जा मर जाएंगे और जायका भी अच्छा नहीं आएगा। तो हमने आटा थोड़ा सा और डालना है, इसी तरह आप आटा डालते रहें थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना। मैं आपको बताऊँगी कि कितना आटा डालना है। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह साग बहुत अच्छे तरीके से घुट गया है। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे ताकि आटा जो है वो कच्चा ना रहे, वो पक जाए अच्छे तरीके से। हमने इसमें पानी डाल लिया और अब हम इसको ज़रा उबाल दिलवाएंगे। माशाल्लाह साग जो है, पालक का साग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। आवाज़ सुन रहे होंगे आप और आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो जब तक हमारा ये साग अच्छे तरीके से पकता है, हम तड़के के लिए सामान तैयार। ये हमें चाहिए लहसुन, जिसको हमने छोटा छोटा सा काट लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी अदरक मिर्च। पैन में हमने घी डाल दिया है, गर्म हो रहा है, जो कि अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन डाल दिया है, साग देखें कितने अच्छे तरीके से खुद खुदा रहा है, और उधर हमारे तड़के के लिए लहसुन जो है वो गर्म हो रहा है। गर्म हो चुका है हमारा लहसुन, ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर दिया है, और लास्ट में हम डालेंगे अदरक मिर्च, ये जले ना और फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा साग उबल रहा है, हम इसको भी बंद कर देंगे चूल्हा इसका, क्योंकि जब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो इसके उछलने का ख़तरा है। तो अब हम ये तड़का जो है वो इसमें देखिए, हमने इसमें बहुत अच्छा सा तड़का लगा दिया और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस टाइम, बहुत अच्छी खुशबू है, जायका तो लाजवाब होगा ही। साग हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ। गरम गरम रोटी के साथ खाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की पालक तैयार हो चुकी है साग के अंदाज़ में। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों की मदद की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकूँगी। शुक्रिया।